उसके लिए आप कंसिस्टेंट लगातार 365 डेज मेहनत नहीं कर सकते। वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो अटेम्प्ट था वो एकदम से बहुत बड़ा एक फेलियर था। मैं एक एस्थेटिक बॉडी, एक बीच टाइप बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ अचीव करना चाहता हूँ। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सारांश और आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ हमारे ब्लॉग्स में। ये है एपिसोड नंबर 1 ऑफ प्रोजेक्ट अनस्टॉपेबल। तो अभी हम जिम में हैं, डोंट बी कंफ्यूज्ड, और अभी हम वर्कआउट करने जाएंगे। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। कंसिस्टेंसी की दिक्कत यह है कि कोई भी इंसान, ऑलमोस्ट कोई भी इंसान उसको 365 डेज फॉलो नहीं कर सकता। यानी कोई भी गोल आप अपने लिए सेट करते हो उसके लिए आप कंसिस्टेंट लगातार 365 डेज मेहनत नहीं कर सकते। लेकिन जो जब कभी भी आप खुद उस ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो कितना जल्दी आप वापस आ सकते हो, वो जो कैरेक्टर होती है, वो जो माइंडसेट होती है, वो आपको कंसिस्टेंट बनाती है। पिछले वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने दिसंबर में शुरू किया था वो एब्सोल्यूट फेलियर था। उसका रीज़न मैं आगे इसी ब्लॉग में बताऊंगा। लेकिन ये वाला जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन है, पिछले लगभग 65 डेज से मैं लगातार जिम आ रहा हूँ। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले फरवरी महीने के शुरुआत में मैं कुछ ऐसे दिखता था, और अभी 65 डेज ट्रेन करने के बाद कंसिस्टेंटली मेरा ये फिजिक अपडेट है अभी का, और ये हमारे ट्रांसफॉर्मेशन का बेस लाइन होने वाला है। यानी यहाँ से हम आगे ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। कंसिस्टेंसी आपकी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन उठा लो, अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी कोई भी पर्टिकुलर रिजल्ट जो आप चाहते हो उसको एट द एंड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। क्योंकि चाहे वो पढ़ाई हो या लाइफ का कोई भी गोल जो आप सेट कर रहे हो, अगर आप उसके ऊपर कंसिस्टेंटली नहीं काम कर रहे हो, मतलब लगातार उस चीज़ के ऊपर हर दिन काम नहीं कर रहे हो, अगला स्टेप आपका प्लान नहीं कर रहे हो और धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ने की जो है कोशिश नहीं कर रहे हो, खुद से थोड़ा सा खुद को 1 इंच आगे पुश नहीं कर रहे हो हर दिन, तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए कंसिस्टेंसी आपकी हर एक लाइफ प्रोसेस में और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है, इसी को याद रखना। पिछली बार दिसंबर में जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन करने निकला तो उस दौरान मेरा गोल ये था कि मैं 7 से 7.5 किलो जो है अपने बॉडी से लूज़ कर लूँ। उस वक्त मेरा वजन जो है 76.6 किलो था और मेरा बॉडी फैट परसेंट अराउंड 23% था। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, मैं अपनी माइंड को बहुत सारे ऐसे रीजंस दे दिया कि कंफर्टेबल होने का बहुत सारे रीजंस दे दिए, बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे दिए मैंने खुद को, जैसे कि ग्राउंड बहुत दूर है और मैं दिन में ट्रेन करूंगा तो दिन भर मेरे पास एनर्जी नहीं बचेगी कुछ और करने के लिए। तो इसके लिए जो हुआ कि मैं फिर से और एक बार कंफर्टेबल हो गया और मैं इवन रेगुलर 1 हफ्ता भी ट्रेन नहीं कर पाया खुद को, जिसके वजह से मैं वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन जो अटेम्प्ट था वो एकदम से बहुत बड़ा एक फेलियर था। सो उस जो ट्रांसफॉर्मेशन से मैंने ये सीखा कि खुद को अगर ट्रांसफॉर्म करना है, अगर भीड़ से अलग दिखना है या भीड़ से कुछ अलग करना है, तो डेफिनेटली मुझे
थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होना होगा, पुरानी जो खराब आदतें हैं उसको ठीक करनी होगी. सो दैट वॉज द लेसन. सो बी अनकंफर्टेबल, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. मेरे इस ट्रांसफॉर्मेशन ब्लॉक्स के साथ मेरा मोटिव यह है कि मैं अपने लिमिट्स को काफ़ी आगे तक पुश करूं. और इस ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में आपको लगभग 9 से 10 एपिसोड्स देखने को मिलेंगे. और ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की जो मेरी प्रोसेस रहने वाली है वो 90 डेज़ की रहेगी, यानी 3 महीने की. और इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ में लगभग हर 10 दिन में आपको एक एक एपिसोड्स मिलेगा, जिसमें मैं आपको अपने डाइट के बारे में, अपनी पूरी ट्रेनिंग के बारे में और मेरी जो निजी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ के बारे में भी मैं कुछ कुछ अपडेट्स जो है आपको देता रहूँगा. इस बार इस 90 दिन, इस 3 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के अंदर मैं एक एस्थेटिक बॉडी, एक बीच टाइप बॉडी, जैसे कि एक आप समझ सकते हो मेंस फिजिक बॉडी, वेट ट्रेनिंग के साथ अचीव करना चाहता हूँ. और मेरा गोल है कि मैं खुद की लिमिट्स को, खुद के लिमिट्स के ऊपर जाके खुद की बॉडी को, खुद की माइंड को पुश करूं और ये टारगेट हासिल करूं जो कि मैंने खुद को दिया है. और एक फेमस पर्सन जिम रॉन का एक कोट है, उसको मैं हिंदी में डिसाइफर करना चाहूंगा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इस जर्नी के अंदर या जर्नी के बाद आपको क्या रिजल्ट मिल रही है, उसका मतलब है कि इस जर्नी के अंदर आप कैसे इंसान बन रहे हो. तो मेरा जो है माइंडसेट इस बार, इस जर्नी के अंदर ये रहने वाली है, इस ट्रांसफॉर्मेशन 3 महीने के अंदर ये रहने वाली है कि खुद की बॉडी और माइंड को कैसे पुश करूं एक लेवल अप, और जो लिमिट्स मैंने खुद को दे रखी है उसको कैसे तोड़ूं और उसके ऊपर चढ़ूं, उसके ऊपर जाऊं. और ये कोशिश करूंगा कि इस बार मैं जब ये 90 डेज खत्म करूंगा उसके बाद मैं एक डिफरेंट पर्सनैलिटी, एक डिफरेंट इंसान बन के इससे बाहर निकलूंगा. और रिजल्ट होगा नहीं होगा वो तो मेरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंडेंट होगा. उसमें मैं अगर खुद को पूरा झोंक देता हूँ तो डेफिनेटली मैं इसको अचीव करूंगा. लेकिन ये 3 महीना मैं खुद को कम्प्लीटली पुश करूंगा. और आप लोगों की सपोर्ट इस चीज़ में चाहिए. मुझे नीचे कमेंट करके बता देना कि आप क्या फील कर रहे हो इस बारी और आप क्या देखना चाहते हो उस ट्रांसफॉर्मेशन में, एज ए व्यूअर, एज ए सब्सक्राइबर. और मेरी जो ये 750 सब्सक्राइबर की फैमिली है, मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों को रिस्पेक्ट करता हूँ इतने लंबे टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए. एंड थैंक यू सो मच. मुझे नीचे कमेंट करके बता दो कि इस पर्टिकुलर 90 डेज ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज में आप क्या देखना चाहते हो और आप क्या फील कर रहे हो कि हम क्या अचीव कर सकते हैं मिलके, क्योंकि आप ही लोग हो जो मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ देते हो. थैंक यू. से आ गया था वो तंग, हार के बज रहे थे शंग, सब कुछ हो गया था भसम, सब जानते थे ही इज डन, सपने यूं हुए थे डम के खुद पे आती थी शर्म, काश थोड़ा दम दिखाया होता मैंने कम से कम. हंसते हैं पड़ोस और हंसते हैं सारे दोस्त.